मधुबनी सदर हॉस्पिटल के ओपीडी में जैसे ही बायोमेट्रिक्स लगी है वैसे ही डॉक्टरों के पांव फूलना शुरू हो चुका है। 90% पड़ा हुआ है पेट खुलवाने के लिए, आज सब डॉक्टर चला गया हर साल। क्या प्रॉब्लम हुआ है? दिखाना है। अभी हम मधुबनी सदर हॉस्पिटल पर हैं। मधुबनी सदर हॉस्पिटल के ओपीडी के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर होने के कारण आप देख सकते हैं कि ओपीडी के बाहर मरीजों को बैरंग लौटकर वापस जाना पड़ रहा है। जैसा जानकारी प्राप्त हुई है कि ओपीडी में बायोमेट्रिक्स लगी है, मधुबनी सदर हॉस्पिटल के ओपीडी में जैसे ही बायोमेट्रिक्स लगी है वैसे ही डॉक्टरों के पांव फूलना शुरू हो चुका है। बायोमेट्रिक्स लगने के खिलाफ हड़ताल कर दिए हैं। उन लोगों की मांग है कि बायोमेट्रिक्स नहीं बल्कि पुरानी पद्धति के तहत अटेंडेंस बनाई जाए। आखिर क्यों? जब बायोमेट्रिक्स लगी है तो ऐसे में डॉक्टरों को क्यों हाथ पांव फूलना शुरू हो चुका है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इलाज करवाने के लिए ओपीडी पहुंचते होंगे तो देखते होंगे कि डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है तो आखिर क्यों? जब बायोमेट्रिक्स लग रही है तो ऐसे में इन डॉक्टरों का हाथ पांव क्यों फूल रहा है? आइए हम कुछ मरीजों से जानकारी लेते हैं कि आखिर जब वो ओपीडी में आए हैं तो उनको इलाज क्यों नहीं हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि इमरजेंसी में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ओपीडी के कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डायरेक्ट इमरजेंसी की तरफ भाग रहे हैं जहां डॉक्टर उपस्थित है। क्या नाम है आपका? शिवजी राम। कहाँ से आए हैं? मधुबनी के रहने वाले मधुबनी पट्टी पंचायत। क्या प्रॉब्लम हुआ है? चोट लग गया है, इसको दिखाना है। तो बता दे कि जो ओपीडी में अभी पेशेंट आ रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं कि आकस्मिक विभाग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर जो भीड़ लगी हुई है वो अधिकांशतः ओपीडी के पेशेंट है और ओपीडी बंद होने के कारण यहाँ भयंकर परेशानी हो रही है। क्या नाम है? रामचंद्र पंडित। क्या परेशानी हुई है? परेशानी है, 90% पड़ा हुआ है पेट खुलवाने के लिए, आज सब डॉक्टर चला गया हर साल।